नमस्कार, आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी नव वर्ष पर, इसी न्यू ईयर पर मैं आप सभी के साथ में एक नए तरीके से वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से ये बात करने वाला हूं कि पूरा वास्तु कैसा होता है। ये वीडियो, इस तरीके का वास्तु का कॉन्सेप्ट या इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पर अभी तक इससे पहले नहीं होगी। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे एक प्लॉट का सिलेक्शन किया जाता है, कैसे सेलेक्ट करने के बाद उस पर ग्रीडिंग करी जाती है, कैसे ग्रीडिंग करने के बाद आप अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्टिविटीज का निर्धारण करते हो, चयन करते हो, कहां पर कौन सी एंट्रेंस काम होती है, ओपन प्लॉट क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड क्या होता है, आसपास की बिल्डिंग का प्रभाव क्या होता है, या मैं यूं कहूं कि वास्तु की दुनिया में सभी चीजें जो एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए अपना घर बनाने से पहले या घर को समझने से पहले, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आराम से समझने की कोशिश करना, आराम से नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि हमें यह नहीं पता कि वास्तु एक्चुअल में कैसे काम करता है, कब हमें स्वर का इस्तेमाल करना है, कब हमें नाड़ी का इस्तेमाल करना है, कब हमें बेसिक्स का इस्तेमाल करना है, कब हमें ग्रिड्स का इस्तेमाल करना है, या ओपन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो काउंटिंग होती हैं, कंस्ट्रक्टेड के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो काउंटिंग होती हैं और कौन कौन सी नहीं होती, इन सब चीजों को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अभी मैं बाहर जाने वाला हूं, कैसे हमने इस प्लॉट को सिलेक्ट किया, कैसे हमने डिसाइड किया कि दिस इज राइट फॉर मी और रॉन्ग फॉर मी, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, चेक करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज ऐसी होती है, क्या मेरे पास एक सही एंट्रेंस यहां पर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बिफोर एनर्जीज में बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगने लगेगा कि ना एनर्जीज के बारे में ज्यादा बात करने से हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं। मैं एनर्जीज पर जरूर आऊंगा, कब काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता दूं कि एंट्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको एंट्रेंस मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। जैसा कि आप वीडियो में अभी देख पा रहे होंगे कि एक तरीके से ये जो प्लॉट है ये पूरा कंस्ट्रक्टेड था, मतलब यहां पर एंट्रेंस सही नहीं निकल रही थी। और बहुत सारे लोग ये देखेंगे, अगर आप यहां से देखते हो तो मेरे राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट आता है, यहां कहीं पर नॉर्थ आता है। जब आप ग्रिड करोगे, आपको भी मैं नक्शा दिखाऊंगा, और टेंटेटिव जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, जो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वास्तु करते हैं, उनके लिए ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट कहीं जा सकती होगी। और आप लोग बड़े ही आराम से देख सकते हैं कि मैंने यहां का नॉर्थ ईस्ट जो है वो काट दिया, एंशियंट लैंग्वेज में या वैदिक वास्तु के हिसाब से, या जो लोग वैदिक को मानते थे। अब लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो आपका बड़ा हुआ होना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जबकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं। जब आप इस पूरी वास्तु की बात करोगे तो आपको वहां पर जो लास्ट कॉर्नर आ रहा है वहां पर मिलेगी आपको E2 की एंट्रेंस, जबकि जब हम बात करते हैं E3 की एंट्रेंस की, जो मुझे चाहिए थी, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसको ब्लॉक कर दूं, मैंने ये सोचा कि मुझे एक अच्छी एंट्रेंस मिल जानी चाहिए। सबसे बड़ी गलती ही लोग ये करते हैं, अगर मेरा घर है और मेरे पास कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चीजें हैं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे पास एक अच्छी एंट्रेंस हो। ये एंट्रेंस मैंने कैसे डिसाइड करी, ये एंट्रेंस मैंने डिसाइड करी पूरे प्लॉट के नक्शे के हिसाब से। मैंने सबसे पहले पूरे प्लॉट को ग्रिड किया, प्लॉट के हिसाब से डिसाइड किया कि कहां पर E1 आ रहा है, कहां पर E2 आ रहा है, क्या मुझे ये फिजिबिलिटी है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इन सभी बातों में मैंने ध्यान दिया। और फिर मैंने यहां पर E3 की एंट्रेंस को क्रिएट किया। तो आप देख सकते हो, जब सबसे पहले मैं यहां पर आगे खड़ा हुआ तो ये हमारा फ्रंट है, इस फ्रंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो जो ये वाली एंट्रेंस आ रही है ये थी E2 की एंट्रेंस, और उसके बाद में जब आप अच्छे से चीजों को देखने स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि E3 की एंट्रेंस हम प्रैक्टिकली यहां पर बना नहीं सकते। अब दुविधा की बात क्या आएगी कि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट क्या करेंगे, जिन्होंने नया नया वास्तु सीखा है, वो बोलेंगे कितनी बड़ी बात है E2 की एंट्रेंस को हम काट देते हैं, हम रिजल्ट इसके छोड़ देते हैं। दो मुख्य बातें होती हैं, क्या आप एक एंट्रेंस के रिजल्ट्स को नहीं ले रहे, और क्या आप अच्छी एंट्रेंस को रिजल्ट्स को ले रहे हो क्या। तो मैंने कोशिश क्या करी, हमने E2 को बंद करने की जगह मैंने इस तरीके का एक वर्चुअल डोर बना दिया, वर्चुअल गैलरी बना दी यहां पर हमारी, कि ये एंट्रेंस जनता के लिए हो गया, जनता ओपन हो गया, और हमने हमारा गेट यहां दे दिया जो कि एग्जैक्टली E3 E4 में लैंड करता है। तो सबसे पहली चीज ओरिएंटेशन वास्तु के नाम पे होती है, एंट्रेंस क्या आपके पास वो अच्छी आ रही है या अच्छी नहीं आ रही, क्या आपका वास्तु कंसल्टेंट है या आप इस बात पर बहुत अच्छे से ध्यान दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो, इन सभी बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब मैं बैक वापस आता हूं कि मैंने इसी बिल्डिंग को क्यों चूज किया, हमारे पास तो खूब सारे प्लॉट थे, मैंने क्यों चूज किया कि मुझे यही वाली बिल्डिंग ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बहुत बड़े रीजंस आप देख सकते हो कि जब आप चेक करते हो तो आपको सेंस होता है कि आप जब आए थे तो आप ईड़ा में थे या पिंगला में थे। जब आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो इट शुड बी इन पिंगला, जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हो इट शुड बी इन ईड़ा, और साथ में जो आपका तत्व है वाटर एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने इस बारे में ध्यान दिया कि हमारा जो तत्व है वो कौन सा तत्व है। दूसरी बात, इसकी नाड़ी कौन सी है।
जब हमने इस बार में फोकस किया जो उसकी नाड़ी है वो रजस है, सत्व है या तमस है, तो मेरी सबसे पहली बात जो लोगों को ज्यादातर लगेगा कि तमस गलत होता है, तो इस जगह की जो नाड़ी आई वो आई तमस। लेकिन फिर हमने इसको कन्वर्ट किया और जो अंदर हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया आया जिसकी नाड़ी हम अलग से चेक करते हैं वो आई थी सतव, इसीलिए बैंगोन हो गया, हम उसको ले सकते थे। ये चेक करना बहुत जरूरी है, नाड़ी हम चेक करते हैं हाथ से और स्वर हम चेक करते हैं नॉस्ट्रिल से, और उसके साथ साथ में हम लोग चेक करते हैं कि बिल्डिंग्स के हाव भाव, मतलब आसपास कौन कौन सी चीजें हैं जो सही हैं जो गलत हैं। आप लोग देख सकते हो कि अगर इसका ईस्ट है तो ईस्ट बहुत ओपन है, इसका जो नॉर्थ है वो भी बहुत ओपन है, वेस्ट में इसके बड़ी एक बिल्डिंग है। जब भी हम किसी प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपके ईस्ट में या नॉर्थ में जगह हो और वेस्ट या साउथ हैवी हो, बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर हो, तो ये प्लॉट बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विषय जो मैं आप शुरुआत से बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टेड या नॉन कंस्ट्रक्टेड वाले पार्ट की। तो हमने इस प्रॉपर्टी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, आपको नक्शे दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। सबसे पहला जो पार्ट है ये है नॉन कंस्ट्रक्टेड पार्ट, जिसके अंदर मेन एंट्रेंस ऑफ द प्लॉट या इस प्लॉट के अंदर गार्डन कहां पर है या हमारी बिल्डिंग कहां पर बनी हुई है और बिल्डिंग के आउटडोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये कहां कहां पर है, कौन कौन सी बिल्डिंग ऊपर है, कौन कौन सी बिल्डिंग नीचे है, इस तरीके की सारी एडवांस चीजों को हमने किया। हमने अब लैंड को कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज जो मेरा कंस्ट्रक्टेड एरिया था इसको कन्वर्ट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, जैसा मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया कि वो सतव में था, मेरी एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, ये लैंड जो तमस में थी उसको जरूर मैंने कन्वर्ट करने की एक बार कोशिश की और वो हम सक्सेसफुल भी हुए, तभी हमने इस प्लॉट को फाइनल किया। देन हम फिर से आ गए अपने कंस्ट्रक्टेड एरिया में। जब आप कंस्ट्रक्टेड एरिया देखते हो तो अच्छे से जहां तक आपकी छत होती है आपको सिर्फ वही देखना होता है, जहां तक आपकी छत एक्सटेंड कर जाएगी वो पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया के सेंटर के अंदर आता है। हमने इस वाले पोर्शन को जहां तक हमारी छत थी उसको एक अलग सेंटर लिया और हमने यहां पर फिर से एक एंट्रेंस बनाने की कोशिश करी। क्यों करी? इसमें दो तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। नंबर वन, आपका जब आता है, जब हम यहां पर एज ए लेमैन आए थे तो यहां पर ये सब चीजें नहीं थी जो आप वुडन पार्टीशंस वगैरह देख रहे हो। हाँ, हो सकता है ये खूबसूरती के लिहाजे से भी अच्छे हों, हम खूबसूरती या इंटीरियर्स के लिहाजे से भी इन चीजों को देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी एंट्रेंस क्या बनती है। हमारे पास सिर्फ यही वाला एक गेट आ रहा था, अगेन दिस वॉज ऑल्सो कमिंग इन E1 एंड E2। अब जब हम E1 और E2 की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने, हमने जब इस प्रॉपर्टी की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी तो लोगों ने यह भी बोला कि यहां पर कोई टिकता नहीं है, यहां पर कोई रुकता नहीं है, यहां पर ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स नहीं होते। उसके दो मेजर रीजन निकल कर आते हैं, एक प्रॉपर्टी वॉज इन तमस एंड सेकेंड कि इसकी जो एंट्रेंसेज है E1 E2 की थी। मैक्स लोगों ने क्या किया, उसको ट्रीट किया होगा, तमस को लोग ट्रीट करना जानते ही नहीं है। 99% वास्तु कंसल्टेंट्स को रजस सत्व तमस पे काम करना नहीं आता, जिनको आता है उनको कन्वर्ट करना नहीं आता। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, हमें सिर्फ उस पर काम करना होता है। देन हमने ये डिसाइड किया कि अगर हम इस वाले एरिया को एक लॉन्च काइंड ऑफ बना देंगे तो हो सकता है ये वाली एंट्रेंसेज काम करनी स्टार्ट कर दें। अगर ये भी काम करती हैं तो हमारे पास मल्टीपल एंट्रेंसेस आ जाती हैं, बिकॉज इट वॉज लाइक एज ए पोर्च। आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक पूरा पोर्च है और जहां पर दो तरीके की एंट्रेंसेस बन रही थी, हमने कोशिश क्या करी, एक एंट्रेंस ये क्रिएट करी जो कि E4 की एंट्रेंस है और इस पूरे को बंद कर दिया। अब आप लोग बार बार सोच रहे होंगे मैंने E3 E4 पे ही फोकस क्यों किया है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास बेस्ट पॉसिबल अवेलेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव एंट्रेंस वॉज E3 E4। आप कई बार, आपको पॉसिबिलिटीज पे भी ऑप्शन होने चाहिए आपके पास। मेरा जो काम है वो भी एस्ट्रो के हिसाब से E3 E4 मेरी बहुत ज्यादा मुझे फलती है। उसके साथ साथ में दूसरा ऑप्शन ये भी था कि क्या मैं S3 S4 W3 W4 N3 N4 बना सकता हूं कि नहीं बना सकता। लेमेंस लैंग्वेज में लोग ये बोलेंगे कि आपने नॉर्थ ईस्ट को कट कर दिया, लेमेंस लैंग्वेज में लोग ये बोलेंगे कि आपको ये नहीं पता कि वास्तु कैसे किया जा सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वी नीड अ पॉजिटिव एंट्रेंस, वी नीड अ पॉजिटिव एफर्मेशन, वी नीड पॉजिटिव एनर्जीज इन पर्टिकुलर कंपाउंड। हमें हर चीज पॉजिटिव चाहिए होती है जिसको आप डिसाइड करते हो, और मेरा काम करने का एक तरीका है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कम करता हूं, एज इन मैं रेमेडीज कम करता हूं, मैं फिक्सेशंस पे ज्यादा काम करता हूं। फॉर एग्जांपल कि कहीं पर एंट्रेंस को ट्रीट ना करना पड़े या वॉशरूम्स को ट्रीट कम से कम करना पड़े और बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स हमारे निकल कर आ जाएं। तो हमने एक और एंट्रेंस क्रिएट कर दी जिसका हमें कोई भी उपाय नहीं करना पड़ा। देन हमने इंटरनल जितनी भी स्ट्रक्चरिंग है वो करी, कहां पर बैठना चाहिए, कहां पर क्या करना चाहिए, वो जो मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूं, कहां पर बार चार्ट की बैलेंसिंग करनी चाहिए, हर चीज को मैंने यहां पर आकर प्लान किया। कहां पर सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे, कहां पर लोग आएंगे, कहां पर क्लासेस होंगी, कलर्स कैसे रहेंगे, वो सब कंस्ट्रक्टेड की ग्रिड से तय किया।
बहुत बार लोग इस बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे पूरे प्लॉट के ग्रिड के हिसाब से तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बैठे हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम पूरे प्लॉट के हिसाब से राइट डायरेक्शन में बैठे ना हो चलेगा, लेकिन हमें कंस्ट्रक्टेड के हिसाब से राइट डायरेक्शन में बैठना होता है, कंस्ट्रक्टेड के हिसाब से जो वॉशरूम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करना होता है, कंस्ट्रक्टेड के हिसाब से किचन होगी, सिर्फ नॉन कंस्ट्रक्टेड में वो चीज़ें होंगी जिसकी छत या तो अलग है या जो प्लॉट के निर्धारित क्षेत्र में ही आ रहा है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आप सभी लोगों को मज़ा भी आया होगा। अगली बार से मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूं जिसमें कॉमर्शियल्स, इंडस्ट्रियल, अलग अलग तरीके की वीडियोस, जहां पर मैं जाकर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं कि कैसे जीरो से पूरा काम होता है, आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ सके कि सारा जीरो से काम होता है। आज की डेट में हम सभी लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो एज पर वास्तु बना ही रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तु कंप्लाइंट चीजें एटलीस्ट दिल्ली NCR के अंदर ढूंढ रहा है, चाहे वो घर है चाहे वो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर सकते हैं। वी विल अरेंज अ कॉल बैक टू गेट यू समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल एज पर वास्तु। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।